दोस्तों आप देख रहे हैं आपके सामने एक कड़ी पत्ता और मीठा नीम का पौधा है और देखिए इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ इसकी चल रही है। देखिए मेरे पास दो पौधे हैं और दोनों पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अब देखिए एक जो पौधा है इसका आपको ध्यान देंगे तो जो स्टेम है, देखिए ये जो स्टेम है ये इसका स्टेम बहुत मोटा है और जो इसका स्टेम आप देखेंगे ध्यान से तो थोड़ा सा पतला है। दोस्तों इसको मैंने क्या किया था कि जैसे ही ग्रो किया हुआ था अच्छे तरीके से पूरा ये ग्रो कर गया। तो ग्रो करने के बाद आपको हम दिखा दें, देखिए यहाँ से हम इसको कर दिया था कट, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से इसको हम कर दिए थे कट, पूरा अच्छे तरीके से पूरा कट कर दिया। देखिए यहाँ से कट किए तो देखिए दो शाखाएँ यहाँ से निकलना ये शुरू हो गया और देखिए यहाँ से भी एक शाखा यहाँ से निकल ली और एक शाखा यहाँ से निकल ली। देखिए अच्छे तरीके से जो देखिए पौधा ये बिल्कुल बूसी होना शुरू हो गया और इसको भी देख सकते हैं। देखिए इसकी थोड़ी सी जो मैंने स्प्रूनिंग किया था, हार्ड स्प्रूनिंग मैंने नहीं किया था, सॉफ्ट स्प्रूनिंग किया था और सॉफ्ट स्प्रूनिंग करने के देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से तीन तीन चार चार ब्रांचेज यहाँ से ये शुरू हो गए। देखिए पौधा भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, ये पत्ती भी देखिए पत्ती भी इसकी कितने लंबे लंबे और चौड़े चौड़े आपको दिख रहे हैं। मीन दोस्तों मेरे दिखाने का मतलब ये है कि इसका रिजल्ट दोस्तों देखिए बहुत ही बेहतरीन है और इस पर कौन सा फर्टिलाइजर हम यूज़ किए हैं आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दिए। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि जो आप देखें जो कड़ी पत्ता का जो पौधा होता है, कड़ी पत्ते के पौधे को आपको धूप में रखना था तो बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको धूप में अच्छे तरीके से नहीं रखेंगे तो ग्रो नहीं करेगा और इस टाइम पे गर्मियों के मौसम में खास तौर से भी धूप में आपको रखना है, तेज़ धूप में रखिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक काम आपको करना है कि इस पर पानी हमेशा सुबह शाम देते रहिए गर्मी के मौसम में। दोस्तों अगर पानी सुबह शाम नहीं देंगे, जैसे इसमें पानी की कमी आएगी इसकी मिट्टी में तो आपको बताएंगे जो इसका पत्ता है, इसका पत्ता दोस्तों ये हल्का हल्का होने लगेगा पीला और पीला होगा बिल्कुल झड़ जाएगा। और दोस्तों जब पत्ता झड़ जाएगा तो पत्ते से हमें कड़ी पत्ते को काम रहता है, घरों में यूज के काम आता है और बिल्कुल इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। तो ये आप पानी का ध्यान दीजिएगा, सुबह शाम धूप में रखिए लेकिन पानी का ध्यान दीजिए। दोस्तों इसमें जो फर्टिलाइजर हम यूज़ किए थे आपको दिखा दें कि कौन से फर्टिलाइजर इसमें यूज़ किए थे और कौन सा फर्टिलाइजर इसमें दोबारा यूज करने जा रहे हैं। देखिए हम इसमें डाल रखे थे, ये देखिए ये सरसों की खली का फर्टिलाइजर है, ध्यान से देखेंगे तो सरसों की खली मैंने इसमें यूज किया हुआ था और थोड़ी सी दोस्तों इसमें हमने हल्का सा 4 से 5 दाने इसमें हमने डाल रखा है DAP। दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र है ये फर्टिलाइजर बहुत ही बेहतरीन काम करता है, आप DAP से थोड़ा सा भी परेशान ना होइए। लोग कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, हाँ केमिकल फर्टिलाइजर तो है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों वर्क करता है। आप क्या करिए कि आप जाके इसको तुरंत आई बटन पे लिंक है इसका वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने जो सरसों खली के साथ हल्का सा जो DAP मैंने मिलाया उसका रिजल्ट क्या है, उसे कैसे इसको बना के यूज करते हैं, आई बटन पे लिंक है जाके ज़रूर आप देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमने ये ले रखा था सरसों खली और ये कल का मैं डाल दिया था, अच्छी तरीके देखिए फर्मेंटेशन हो गया है। अब देखिए इतना ही हम ले लिए पानी और पानी लेने के बाद इसमें हम डाल देते हैं, देखिए इसमें हम डाल दिए। अब इसके बाद हम क्या इसमें मिक्स करेंगे, इसमें हम दोस्तों हम मिक्स करेंगे आप ये देख सकते हैं चूने का पानी है। दोस्तों इसे कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, जैसे देखिए कैल्शियम अगर फास्फोरस आप नहीं देंगे, जो स्टेम इसकी है जो इसकी स्टेम दोस्तों ये पतला का पतला ही रहे, इसको स्टेम को मोटा करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर मोटा होगा तभी इसको आप ये हार्ड स्प्रूनिंग करेंगे तो अलग अलग ब्रांच निकलेगा और पौधा बिल्कुल ये बूसी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने 12 इंच के गमले में लगा रखा और 12 इंच के गमले में देखिए पौधा बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बूसी होना शुरू हो गया है और ये घना भी हो रहा है दोस्तों, अभी और ये घना होगा। तो अब जो चूना का पानी है, चूना का पानी दोस्तों करना क्या है, 1 लीटर पानी में आप 2 से 3 ग्राम डाल के इसको डाल के यूज कर सकते हैं या हो सके तो जो चाक आता है उसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें ले लेते हैं 2 या 2.5 लीटर इसमें पानी आता है और 10 से 20 ग्राम इसमें हम डाल देते हैं और जब भी पानी हम यूज करते हैं तो उस पानी में इस तरीके से चूने का आधा पानी निकाल के डाल देते हैं उस बाल्टी में, पानी को पौधे में यूज कर लेते हैं और इसमें क्या है कि आधा पानी और हम फ्रेश भर के फिर रख देते हैं। ऐसे क्या दोस्तों कि जब भी पानी आप देते हैं तो चूना भी उसके साथ मिट्टी में चला जाता है, आपका आपके पौधे में काम करना ये शुरू करता है। आप देखिए जैसे होता क्या है कि इसकी मिट्टी की अगर हम गुड़ाई दोस्तों हमेशा करनी होती है, देखिए मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी असली पहचान क्या है, मिट्टी इसकी बिल्कुल ये भुरभुरी है। दोस्तों जिसकी मिट्टी भुरभुरी होगी बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो भी करेगा, इस तरीके से इसका भी हम अलग कर देते हैं गुड़ाई। अब देखिए ये जो फर्टिलाइजर है इस फर्टिलाइजर को हम ये दे देते हैं। दोस्तों देखिए कि 1 सप्ताह बाद इसका रिस्पांस तुरंत आपको मिलना शुरू हो जाएगा
और फर्टिलाइजर की हम बात करें तो इसमें आपको करना क्या है कि इसके बाद 10 दिन बाद दोस्तों इस टाइम पे इसकी जो ग्रोथ कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है, तो इस टाइम पे आपको फर्टिलाइजर इस पर कमी नहीं देना है। इसके 10 दिन बाद तुरंत इस पर कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट, सड़े हुए गोबर खाद कोई भी इसमें लेके यूज कर दीजिएगा। हर 15 दिन पे यूज करते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से इसकी चलती रहेगी। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसको अगर आपको लगाना होगा तो इसको कैसे लगा सकते हैं। इसे देखिए, आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो सीड्स है दोस्तों, सीड्स के माध्यम से कड़ी पत्ते के पौधे को लगा सकते हैं। अब ये बरसात का समय आने वाला है और बरसात के समय में जहाँ पे कड़ी पत्ता का पौधा होता है वहाँ पे दोस्तों बरसात के समय देखेंगे तो बहुत सारे पौधे आपको मिल जाएंगे, फ्री में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। हाँ, उसके लिए स्ट्रांग पोटिंग मिक्स आपको बनाना जरूरी है। अगर कड़ी पत्ते के पौधे की स्ट्रांग पोटिंग मिक्स नहीं बनाएंगे तो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगा। जिस आप देख सकते, देखिए पके हुए सीड्स हैं, यही पके हुए सीड्स नीचे गिरते हैं और गिरने के बाद वहाँ से पेड़ बन के हो जाते, जैसे पानी मिलता है तो पेड़ बन के हो जाते हैं तैयार। तो अब उसमें करना क्या है, वहाँ से भी ले सकते हैं या इसकी कटिंग भी दोस्तों इसको तैयार कर सकते हैं, कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं कड़ी पत्ते के पौधे को। और इस टाइम पर जून चला महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस टाइम पर अच्छे तरीके से पौधे की कटिंग तैयार कर सकते हैं। हाँ, एक बात आ गई कि जो मैंने ये कटिंग आपको दिखाया था कि मैंने ये कट कर दिया है, तो अब आपको ध्यान ये रहे कि इस टाइम पे इस आपको कट नहीं करना है, बिल्कुल कट नहीं कर रहा है। इस टाइम पे जैसे पौधा आपके ग्रोथ कर रहा है इस तरीके से आप पौधे को ग्रो होने दीजिए, कट बिल्कुल मत करिएगा, ये आपको ध्यान रहे। उसमें आपको क्या करना है कि ये दोस्तों इसकी जब कटिंग करते हैं तो करीब करीब फरवरी और मार्च के महीने में इसकी हम कटिंग करते हैं। उस टाइम पे कटिंग करते हैं और उस कटिंग करने के बाद अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर देते हैं और फर्टिलाइजर देने के बाद उसके बाद छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल पौधा बूसना शुरू होता है। और दोबारा अगर आपको कटिंग करना है तो कब करना है, जब आपका पौधा इस तरीके से बूसी हो गया है, बूसी हो रहा है और इसको घना करना है, तो इस टाइम बरसात के समय जैसे ये आपके जुलाई अगस्त सितंबर इस महीनों में इसकी यहाँ से देखिए इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग यहाँ से करिएगा और यहाँ से करिएगा, जो भी ये टॉप की जो भी शाखाएं कर दीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि अब इसमें से अलग अलग फुटाव आएगा, देखिए इसमें से अलग अलग फुटाव आएगा और इसमें से जब अलग आएगा फुटाव तो पौधा बिल्कुल दोस्तों एक बोनसाई आकार का गोलाकार का ये घना हो जाएगा। और उस समय देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पत्तियाँ देखिए लंबी होगी, चौड़ी होगी और इस पत्तियों को आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपनी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर देंगे। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।